हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारियाँ लेकर उपस्थित हूँ। आज की जानकारी फूल से संबंधित है, तो आइए आज हम कुछ फूल के बारे में जानते हैं, देखते हैं आज क्या विशेष है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, किंग ऑफ फ्लावर मतलब फूल का राजा। किस फूल को फूल का राजा जानते हैं? तो डहलिया। डहलिया एक पुष्प है जिसे फूल का राजा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, क्वीन ऑफ फ्लावर मतलब फूल की रानी। किस फूल को फूल की रानी कहा जाता है? तो गुलाब का फूल। जी हाँ, गुलाब का फूल मतलब जो रोज फ्लावर होता है उसे फूल की रानी कहा जाता है। आगे देखते हैं, ओल्डेस्ट नोन अर्नामेंटल ट्री मतलब सबसे पुराना ज्ञात सजावटी पेड़। सजाने योग्य जो पेड़ होते हैं वो तो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना कौन सा है? पीपल। हाँ, जो पीपल होता है ये एक सजावटी पौधा है, पेड़ है जो सजाने योग्य होता है, सजाने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये सबसे पुराना पौधा है, प्राचीनतम है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ओल्डेस्ट नोन फ्रूट ट्री मतलब सबसे पुराना ज्ञात फल वृक्ष, खजूर का पेड़। जो खजूर है फल वृक्ष है, जो सबसे पुराना यानी प्राचीनतम फल वृक्ष है, सबसे पुराना फल वृक्ष है खजूर। आगे देखते हैं, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसे कहा जाता है? कमल। कमल का फूल जो होता है भारत का राष्ट्रीय फल है, पुष्प है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो चाइना रोज के नाम से किस फूल को जानते हैं? हाँ, चाइना रोज, गुड़हल, जो गुड़हल फूल होता है, पुष्प होता है, उसको चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।